तो मैं और निखिल आज वही चर्चा करेंगे कि क्या नया चैंपियन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है. मिल सकता है वो इसलिए क्योंकि मैं अक्सर लखनऊ को भी उसमें जोड़ना पड़ेगा. हाँ, और गुजरात को भी उसमें जोड़ना पड़ेगा. यस, तो ये पांच टीमें हो गई एक्चुअली. अक्सर ना आईपीएल से पहले मेरे बेसब्री से इंतजार होता है मुझे, जब मैं सारी टीमों को लेकर बैठता हूँ और फिर उनके ये देख रहे हैं आप ये सबके उनके. मैं बताऊं, ये आपके आने से मुझे बड़ा फायदा हुआ. क्यों? मुझे आईपीएल में हमें इट्स एन ऑनेस्ट कन्फेशन, दो दो तीन तीन मैच हो जाते थे फिर मुझे थोड़ा सा पता चलता था. वेकअप होते थे. अभी आपने इतना रवा करा दिया है मुझे ये वर्के, आप ला ला के कि रट गए मुझे. रात को भी वही आ रहा है, उसकी 11 बनानी है, उसकी 11 बनानी है. इतने कप्तान को टेंशन नहीं होती. फिर भी हमसे भी गलती होती है क्योंकि 10 टीमें होती हैं तो कई जगह एक प्लेयर वेस्ट इंडियन यहाँ का वहां बोल दिया, वो कमेंट में जाके पता चलता है, लोग कह रहे हैं यार, फिर याद आता है. हाँ, ये क्योंकि इतनी टीमें और तो 8 में परेशानी होती है, 10 में और. लेकिन मजा ये आता है ना, आप टीमें बनाते हो. जैसे मैं तो उसको जैसे शेयर मार्केट हुई या कुछ इस तरह से देखता हूँ, जहाँ आप स्टॉक को स्टडी करते हो, भी ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा, मैं उनको वैसे ट्रीट करता हूँ, इसलिए मुझे बड़ा मजा आता है. तो नया चैंपियन बन सकता है क्योंकि जो मैंने पढ़ाई करी है उसमें जो मेरी जो देखिये एग्जैक्ट साइंस तो है नहीं. आपकी जो टीमें आप लगभग बताते हो कि यार ये कुछ टीमें हैं जो मुझे लगता है टाइटल के लिए फाइट करेंगी, तो जो चार मैंने ऐसे निकाली हैं लड़ेंगी टाइटल के लिए, चार जो निकाली हैं उसमें से तीन ऐसी हैं जिन्होंने कभी टाइटल नहीं जीता, तो गुड चांस यू हैव अ न्यू. तो आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी इस आईपीएल की टॉप फोर है, आपके जहन में जो टॉप फोर है उनमें से तीन टीमें कभी आईपीएल जीती नहीं. मैं एक तुक्का मारूं, आपकी वो तीन टीमें कौन सी हैं? आपने उसमें पंजाब को रखा होगा, आपने उसमें लखनऊ को रखा होगा, करेक्ट. तीसरी टीम, अब मैं हैरान हूं कि आपने उसमें बैंगलोर को क्यों नहीं रखा. बैंगलोर को रखा है मैंने. आपने दिल्ली कैपिटल्स को नहीं रखा? दिल्ली कैपिटल्स को नहीं रखा. आपका रास्ता कौन सा है घर से ऑफिस आने का? रास्ता तो ये, मैं तो अच्छा नोएडा ना. नहीं, मैं दिल्ली कैपिटल्स, इसमें ऐसा कोई सपोर्ट की वो बात ही नहीं है. मैं दिल्ली कैपिटल्स को सपोर्ट करता था एक्चुअली, मुझे वो टीम अच्छी लगती थी पिछले 2-3 सीजन, लेकिन मुझे लगता है उसके मुकाबले ये टीम थोड़ी सी 19 हो गई है 20 के मुकाबले. तो मैं चौथी टीम सनराइजर्स को यहाँ लेके आया हूँ, हैदराबाद, जो कि मेरे पहले इनिशियल जब ऑक्शन हुआ था हम लोगों ने सबने भी तब टीम तब इतनी नहीं आ रही थी. मुझे अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये टीम इतनी बुरी नहीं है, हो सकती है इन वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स. यस, क्योंकि एक दो चीजें हैं. देखिए, एक तो कैप्टन इनके स्टेबल हो गए हैं, विलियमसन मुझे पसंद भी है एज अ कैप्टन, स्टेबिलिटी उन्होंने दे दी है, और इनके पास बैकअप भी अच्छे खासे हैं. अगर आप ये देखें ना, बैटिंग देखें, ये अभिषेक शर्मा से ओपन कराने की बात कर रहे हैं. अभिषेक शर्मा ही ओपन करेंगे. हाँ, तो अभिषेक शर्मा विलियमसन ओपन करते हैं, मतलब फुल लाइसेंस है वहां से. उसके बाद आपकी बैटिंग देखिए, आपके आप उसमें माकरम डाल सकते हैं जो अच्छे वाइट बॉल फॉर्म में है, आप उसमें पूरन डाल सकते हैं जो इंडिया में ढेर सारे रन बनाए. त्रिपाठी वन ऑफ द स्टैंड आउट प्लेयर थे, खेलते वो. हाँ, लास्ट सीजन स्टैंड आउट प्लेयर थे वो. मैं कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब मैक्सवेल की बात कर रहे थे. मैंने एक आंकड़ा देखा था त्रिपाठी का, जो सेकंड हाफ हुआ आईपीएल इन यूएई, सारे रन ऊपर वालों ने बनाए, यानी टॉप थ्री बना रहे थे, नीचे वालों के रन नहीं आ रहे थे. मतलब 4-5-6 लेके त्रिपाठी खेल रहे थे 4 या 5 पे कई बार. उसमें दो ही ऐसे बैट्समैन थे जो टॉप 10 रन गेटर में भी थे, टॉप 10 स्ट्राइक रेट में भी आ रहे थे. अच्छा, जो मिडिल ऑर्डर के थे, बाकी सारे टॉप वही थे, वेंकटेश अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, ये वाले ऊपर के. क्योंकि आपको पता है टफ हो रहा था, जब बॉल पुरानी होती जा रही थी, कंडीशन टफ हो रही थी, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन से रन नहीं. मैक्सवेल तो आप मान लेंगे उनमें से एक होंगे, आउटस्टैंडिंग सीजन था. दूसरे बैट्समैन वॉज राहुल त्रिपाठी. ओके, वो हैड दैट आउटस्टैंडिंग सीजन, थोड़े अंडर द रडार. और बताइए ना मुझे, मैं थोड़ा सा, तो ये हैदराबाद आप जगा रहे हैं थोड़ा सा. तो हैदराबाद में कह रहा हूं, देखिए इनकी बैटिंग ये हुई, फिर इन्होंने अब्दुल समाद पे थोड़ा भरोसा लगाया, मुझे लग रहा है वो पिटाई विटाई करेंगे. अच्छा, वॉशिंगटन सुंदर है जो मैंने 6-7 पे रखा है, बट इसमें भी मैं कई ऑप्शन पढ़ रहा था. हमारे दोस्त हैं आकाश चोपड़ा, उनका मैं एनालिसिस, वो कह रहे थे कि ठीक है आप अभिषेक को कह रहे हो, मैं तो अभिषेक को थोड़ा नीचे रखूंगा क्योंकि वो नीचे हिट भी मार देते, आप सुंदर से ओपन कराएं. मतलब मैं ये कह रहा हूँ, इस टीम के पास इतना वैरायटी ऑफ ऑप्शन है. इनके पास मार्को यानसन है जिनका अच्छा हो रहा था, लेफ्ट आर्म गुड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म पेसर, गुड लेग स्पिनर इन श्रेयस गोपाल, हमेशा वो करते हैं. भूवी थोड़े थोड़े फॉर्म में आपको नजर आ रहे थे. कार्तिक त्यागी अनदर गुड इंडियन फास्ट बॉलर. शॉन एबर्ट जो है इनके पास, एक फॉरन फास्ट बॉलर, हाईएस्ट विकेट टेकर इन बिग बैश लीग अभी जो खत्म हुई है, इन फॉर्म तो जबरदस्त है. रोमारियो शेपर्ड है इनके पास,
मतलब मैं देख रहा हूं उनके बैकअप बैकअप टीम बुरी सडनली, मतलब ये एक सेकंड कमिंग। अच्छा, नटराजन की मैंने बात नहीं की अभी। आपको चेन्नई से बेहतर लगी, मुंबई से बेहतर लगी आपको? चेन्नई में मैं आपको थोड़े कोलकाता से बेहतर लगी। हाँ, मैं अब आपको थोड़े चेन्नई के मेरे को क्या क्या वीक पॉइंट्स थोड़े लगे मैं अब आपको बताता हूँ उसके लिहाज से। आप देखिए देखिए रॉबिन उथप्पा मैं थोड़ा वीक में इसलिए गिन रहा हूँ, लास्ट मैच अच्छा खेल गए और लास्ट मैच अच्छा खेल गए थे, उससे पहले दो तीन मैच नहीं चले थे। उनको खिलाया भी बड़ा लेट था, रैना वाज प्लेइंग, तो नॉट 100% श्योर। राइडू भी लगातार नहीं खेल रहे, बट चलो उनको आप स्ट्रेंथ भी अगर आप देखते हैं, एमएस धोनी कैप्टन ग्रेट, एमएस धोनी बैट्समैन विल ही कॉन्ट्रीब्यूट, आई हैव माई डाउट्स, ठीक है आपका वो इशू है। ड्वेन ब्रावो इंजरी इश्यूज, नॉट प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट। मोइन अली का वीजा नहीं हुआ अभी तक, मोइन अली का वीजा नहीं हुआ, मोइन अली का वीजा नहीं हुआ है, दैट इज बिग न्यूज। एग्जैक्टली, शिवम दुबे को मैंने टीम में डाला है बट अगेन हिट एंड मिस है, मैं कह रहा हूं मैं उनके कई वो देख रहा हूं। बोलिंग में आपका दीपक चेहर नहीं है तो मैं एडम मिल और तीक्षणा जैसे के ऊपर जा रहा हूं। तीक्षणा जो कि मिस्ट्री स्पिनर है वो खेले थे वर्ल्ड कप में, लेकिन अगेन हिट एंड मिस। एडम मिल ठीक है, तेज है, मेरे को यहां कई गैप नजर आए हैं।